हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। आज है 28 दिसंबर 2019। तो मूव करते हैं डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली लोकस्ट इज इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो इसमें एक वर्ड आया है जिसका नाम है लोकस्ट। अब इसे हमें समझना पड़ेगा कि लोकस्ट होता क्या है। बेसिकली आपने देखा होगा एक कीड़ा होता है, बेसिकली इस टाइप का इसकी शेप होती है। लेट्स से कि ये मैं जो बना रहा हूँ इस टाइप की शेप होती है उसकी, ठीक है। और इसको ग्रास हॉपर बोलते हैं, ठीक है। उसी की एक स्पीसीज है जिसको कि लोकस्ट बोला जा रहा है। अभी न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि एक मैं स्लाइड दिखाता हूँ, उससे आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि न्यूज़ में क्यों आया। ये वाला रीजन आप देख ही रहेंगे, ये वाला अफ्रीका वाला रीजन है। देन इसके बाद ये अरेबियन पेनिनसुला है, यहाँ से मूव करते करते ऊपर ईरान है। देन ये जो ये ट्रेजेक्ट्री बनाई गई इसमें पाकिस्तान के थ्रू इंडिया तक दिखाया गया है कुछ एक मूवमेंट। किसका मूवमेंट दिखाया गया है? ये इस चीज़ का मूवमेंट दिखाया है। यही है वो लोकस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कीट है, तो आप देख पाएंगे कि ये वाला जो रीजन है यहाँ से मूव करते करते पाकिस्तान का जो ये वाला प्रोविंस है, सिंध प्रोविंस है, सिंध प्रोविंस में ये इसने अटैक किया। इसने अटैक किस पे किया? क्रॉप्स पे किया है। क्रॉप्स पे जब इसने अटैक किया है तो देन उसकी आप जानते हैं कि किसान की जितनी भी फसल है उसे पूरा बर्बाद कर दिया। अब इसका जो अटैक है ये पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके इस वाले रीजन को अफेक्ट कर रहा है। ये अपना गुजरात वाला पूरा रीजन और राजस्थान वाला रीजन, इसकी वजह से यहाँ के किसानों को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए सरकार इसके लिए बेसिकली काम कर रही है और इसको एलिमिनेट करने की ट्राई कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी यहाँ से रिक्वेस्ट आई है उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 11 टीम भेज दी हैं। वो साइंटिस्ट इसका बेसिकली पूरा देखेंगे कि किस टाइप से एक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रिस्क्राइब पेस्टिसाइड होगा उसके अकॉर्डिंग ये काम करेंगे। अब हम लोग पीछे चलते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ये चीज़ है लोकस्ट, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ऑप्शंस में आप देख पाएंगे कि देन इसमें ऑप्शन दिया है फाइटर एयरक्राफ्ट, नो, पेस्टिसाइड भी नहीं है, ये बैक्टीरिया भी नहीं है, दिस इज इंसेक्ट। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको याद रखना है कि इसका अटैक हुआ है, अगर एग्रीकल्चर ऑप्शन है आपका और या फिर यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं देन आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% पूछने के चांसेस हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में बना हुआ है। तो आप जो पढ़ेंगे जो पेपर सेकंड में आता है जिसमें कि पूरा इन सब पेस्ट के बारे में होता है, देन वहाँ पे आपको इस वाले जो पेस्ट है उसको पढ़ना पड़ेगा। तो इसको ग्रास हॉपर है उसका एक एक बेसिकली स्पीसीज है ये, तो वहीं से आपको ये पढ़ना है। तो इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर ऑप्शन सी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, विच सेक्शन ऑफ IPC डिक्लेयर सुसाइड एज ए क्रिमिनल ऑफेंस। तो इंडिया में एक बुक है जिसमें कि कोई भी क्राइम होता है, आप क्राइम करते हो, क्रिमिनल क्राइम करते हो, तो उसके लिए जो भी सज़ा होनी है वो एक बुक में लिखी हुई है और वो लिखी हुई है उसको ही बोलते हैं IPC, ठीक है। तो उसको जो लिखी हुई चीज़ है उसे हम लोग जो कि हमने कोडिफाई किया तो उसे कोड बोल देते हैं। तो इसे बोलते हैं IPC, इंडियन पिनल कोड। मतलब ये भारत की जो पिनल व्यवस्था है, मतलब पिनलाइज करने की जो व्यवस्था है उसमें जो जो कोड लिखा है, मतलब इस चीज़ के अगेंस्ट इस चीज़ है, आपने ये वाली हत्या की है तो आपको इतनी सज़ा मिलेगी, आपने ये वाला लाइक कानून तोड़ा है तो देन आपको ये वाली मिलेगी, ये सब चीज़ इधर कोडिफाई है, तो इसलिए IPC होती है, ठीक है। अब इसमें डिक्लेयर किया हुआ है कि जो सुसाइड है उसे क्रिमिनल ऑफेंस। अब ये कौन सी वाला जो सेक्शन है उसकी बात की गई है, यहाँ पर सेक्शन का जिक्र पूछ रहा है कौन सा सेक्शन है। तो इसमें एक चीज़ आप लोग पहले क्वेश्चन पर जाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी आर्टिकल होता है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में होता है और सेक्शंस होते हैं वो IPC या फिर कोई बिल जो ऑलरेडी बन चुका है, बिल रहा और वो एक्ट में कन्वर्ट हो गया तो उसमें सेक्शंस होंगे। तो इन चीज़ों में सेक्शंस होते हैं और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल का जिक्र होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होता। लेट्स से कि यहाँ पे लिख देता कोई ऑप्शंस में कि आर्टिकल ये या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के ये वाले पार्ट में लिखा हुआ है या ये वाली, तो कॉन्स्टिट्यूशन को तो आपको रिजेक्ट करने कर देना है क्योंकि सेक्शन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, पार्ट हैं, ये सब टर्मिनोलॉजी यूज होती है। यहाँ पे पूछा है कि ये वाला सेक्शन कौन सा है, तो ये वाला सेक्शन है 309। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है इस ऑप्शन के साथ साथ कि एक इंडिया में एक्ट आया लास्ट टू लास्ट ईयर 2017 में एक एक्ट आया था MHCA, मतलब मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। तो इसमें ये बात का जिक्र किया गया है कि ये जो 309 है इसमें क्रिमिनल ऑफेंस बताया गया, लेकिन इस वाले में एक सेक्शन है जिसमें कि सेक्शन 115। मैं सेक्शन वर्ड किस लिए यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे बिल या एक्ट में भी सेक्शंस हो सकते हैं,
ठीक है, और किसी कोड में भी सेक्शंस हो सकते हैं, तो वहाँ हो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल्स होंगे या फिर जो भी शेड्यूल्स होंगे या पार्ट होंगे. उसमें इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि ऑलरेडी जो इंसान लाइक सुसाइड के लिए लाइक कंपेल किया गया है, तो ऑलरेडी वो मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है, तो उसे और आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते, लाइक और उसे पनिश करने की ज़रूरत नहीं. तो इस बेसिस पे उन्होंने क्या किया कि इस वाले एक्ट में MSCA 2017, ये एक्ट है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, उसमें बोला गया है कि उस वाले शख्सियत को क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा. तो यहाँ से ये वाला जो आर्टिकल है 309 है वो रद्द हो जाता है, लेकिन अभी भी ये IPC की बुक में बना हुआ है, इसलिए ये न्यूज़ में रहता है. तो हम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा वाला सेक्शन है जो IPC का, तो देन हमें आंसर लगा के आना पड़ेगा ऑप्शन ए, 309 सेक्शन. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट्स कॉफेन, ये बेसिकली एब्रीविएशन है एक, वो रिसेंटली न्यूज़ में था. ये किस चीज़ से रिलेटेड है, मतलब ऑप्शंस में दिए हुए हैं किस चीज़ से रिलेटेड है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है. तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नेट्स कॉफिन, इसकी का फुल फॉर्म है. फुल फॉर्म क्या है, ये फुल फॉर्म है इसकी. ये एक नेटवर्क है किस चीज़ के लिए, नेटवर्क फॉर साइंटिफिक कोऑपरेशन फॉर फूड सेफ्टी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन. करना क्या चाह रहे हैं कि लेट्स से कि हमें फिट इंडिया करके एक मूवमेंट चल रहा है, फिट इंडिया या फिर ईट फिट इंडिया, ठीक है. अब हेल्दी फूड लोगों को प्रिस्क्राइब करना है, लेकिन उसके लिए हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए प्रिस्क्राइब करने वाले जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ज़रूरत है हमें. तो हम क्या करेंगे, जितनी भी साइंटिफिक कम्युनिटी हैं, जितनी भी लैब्स हैं या फिर जो भी उससे न्यूट्रिशन से रिलेटेड या फिर लेबलिंग से रिलेटेड जो भी लोग हैं, उन सब की एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप को कनेक्ट कर देंगे और वो एक अच्छा पैरामीटर सेट करेंगे कि हाँ दिस इज़ हेल्दी फूड. वो एक कोई हाइजीन को देखेगा, कोई वाला न्यूट्रिशन वैल्यू को देखेगा, कोई लेबलिंग को देखेगा, कोई डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट को देखेगा कि उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है फूड की, ये सब चीज़ों को देखते हुए, या फिर उसके फिर लाइक फ्यूचर इंप्लीकेशंस क्या होंगे, ऐसे बहुत सारे जो इसमें इंस्टीट्यूशंस होंगे वो सब मिलके क्या देखेंगे, उनका बेसिक वो फंक्शन क्या है, बेसिक एम क्या है. एम है उनका फूड सेफ्टी, ठीक है, और न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाना फूड की, ठीक है. इसके लिए नेटवर्क बनाया गया, तो इसको इस नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये किसी भी क्वेश्चन पेपर में दिख जाएगा आपको, देन आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि ये कुछ क्या है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा. तो आपको याद रखना है नेट्स कॉफेन, ठीक है. अब इसमें कितने जो ग्रुप हैं, इंस्टीट्यूशन हैं जिनको एक साथ बेसिकली जोड़ा गया, और डिफरेंट एरिया के हैं, जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि कोई फूड लेबलिंग देखेगा, कोई मार्केटिंग को देखेगा, कोई न्यूट्रिशन वैल्यू को देखेगा, कोई लाइक किस टाइप से हमें उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी रहेगी या फिर कितने हाइजेनिक बना सकते हैं, ये सब चीज़ों को अलग अलग इंस्टीट्यूशन देखेंगे, उन पर रिसर्च करेंगे, और साइंटिफिक कम्युनिटी है बेसिकली, तो बिल्कुल प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर, ठीक है. तो ये कितने जो इंस्टीट्यूशन है उनको मिला के बोला जा रहा है, 8 ग्रुप के इंस्टीट्यूशन को इसमें मिलाया जा रहा है. तो ऑप्शन ए भी इसमें दोनों ठीक है. ये एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन पास करना चाह रहा था. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा, ये 3-स्टार क्वेश्चन है. तो आप देखेंगे ऑप्शन सी में दिया हुआ है बोथ ए बी इज अ फाइनल आंसर, जबकि ए बी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी में देख पा रहे हैं कि बोथ ए बी इज अ करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन सी इज अ फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्लिंग एंड कुरेसिक एयरबेस आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. तो ये दो एयरबेस, एयरबेस क्या होते हैं कि एयरफोर्स आपने सुना ही होगा, उसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर अपना जितना भी ऑपरेशंस हैं वो करने के लिए एक जगह की ज़रूरत होती है. तो वो जगह है जहाँ पर उनका घर है उसको एयरबेस बोलते हैं बेसिकली, ठीक है. तो ये बहुत सारे होते हैं जहाँ पे कि छोटे छोटे एयरबेस बनाए जाते हैं, जैसे कि स्ट्रेटजिकली लोकेटेड होते हैं. लेट्स से कि इंडिया का लोकेशन आप देखेंगे तो इंडिया में एयरबेस अधिकतर कहाँ होने चाहिए, क्योंकि इंडिया का सबसे ज़्यादा खतरा कहाँ से रहता है, ये दो फ्रंट्स पे. कौन से दो फ्रंट्स हैं, लेट्स से ये वाला फ्रंट, तो यहाँ पर एयरबेस बहुत सारे होंगे यहाँ पर पूरे में, और यहाँ पर इसके पीछे भी होंगे थोड़े बहुत, क्योंकि एक्चुअली इसलिए इनको कि लेट्स से कि इन पे कोई एक्टिविटी दिखा के यहाँ से अटैक कर सकें, जिससे कि इनको पता ना चले, तो इस टाइप से बेसिकली बसाए जाते हैं. तो ऐसे ही दो एयरबेस हैं जो कि किस कंट्री में है, इनका नाम जो लिखा हुआ है, इनका नाम है कुरेसिक एंड ए वर्ल्डलिंग. तो ये न्यूज़ में बने हुए हैं. अभी किस कंट्री में है, इससे जानने से पहले आपको एक मैं मैप दिखाना चाहूँगा. ये है कंट्री, आप देख रहे हैं कि ये मिडिल एशिया जो है उसका मैप है. यहाँ पर देख रहे हैं कंट्री जिसका नाम है टर्की, जिसकी कैपिटल है अंकारा, ठीक है. अब इसमें क्या हुआ है कि ये वाले जो दो एयरबेस हैं, ये कुरेसिक एंड इनवर्ल्ड की, इनमें यूएसए के एयरबेस हैं ये बेसिकली. लेकिन अभी टर्की और यूएसए के रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे, उसके बहुत सारे रीजंस हैं. कुछ रीजंस मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे कि टर्की एक तो नाटो का मेम्बर्स है,
लेकिन उसके बावजूद क्या है, S-400 जो डिफेंस सिस्टम है वो खरीदना चाहता है रशिया से, उसकी वजह से इनके बीच में रिफ्ट आई है यूएसए और टर्की के बीच में। दूसरा एक एंगल ये भी है कि यहाँ पे कुर्द इलाका जो है, आईसिस वाला आपने एंगल सुना होगा कि आईसिस के जो अंगेंस्ट लड़ने के लिए कुर्द्स को हथियार सप्लाई किए थे यूएसए ने, जब यूएसए ने सप्लाई किए देन और कुर्द यहाँ पर जो टर्की एक रीजन है, टर्की में एक रीजन है जहाँ पे कि इंडिपेंडेंट कंट्री मांगते हैं, तो देन इनडायरेक्टली वो टर्की के अगेंस्ट भी जाता है, तो इसलिए भी एक रिफ्ट है। और तीसरा ये है कि एक मिस्टर गुलेन के बारे में आपने सुना होगा, हेफतुल्ला गुलेन, जो कि एक रिलीजियस गुरु हैं बेसिकली, जिनको कि एक्स्ट्रा डाइट नहीं कर रहा है यूएसए। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसे डर है कि यहाँ पे उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा टर्की में। और उससे टर्की को क्या प्रॉब्लम है, टर्की को प्रॉब्लम है कि 2016 में वहाँ पे एक कू कराया था उन्होंने, उसकी वजह से क्या था, जो ये अभी वाली गवर्नमेंट है एर्डोगन की जो गवर्नमेंट है, उसको तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी, इसलिए ये गवर्नमेंट चाहती है कि यूएसए उसे हैंड ओवर करें, लेकिन यूएसए इन तीनों में से किसी पे भी एक मत नहीं है, तो इस वजह से थोड़े से डिफरेंस आ रहे हैं। और फिर यूएसए के प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो बार बार इनको धमकी देते हैं कि हम आप पे सेंक्शंस लगा देंगे, और सेंक्शंस लगाने के जो उसका रिप्लाई देते हैं टर्की वाले, वो ये बोलते हैं कि ये दोनों एयरबेस हम बंद कर देंगे, तो ये वाले एयरबेस न्यूज़ में बने रहते हैं, इसलिए आप लोगों को इनका लोकेशन पता होना चाहिए। तो आप ऑप्शंस में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पूछा गया किस कंट्री में है, तो देन कंट्री आप देखेंगे ऑप्शन सी में दिया हुआ टर्की, लेकिन आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि ये दोनों एयरबेस का नाम। ओके, तो ऑप्शन सी इज अ फाइनल आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द नारी शक्ति पुरस्कार। एक अवार्ड है बेसिकली, उसका नाम दिया गया नारी शक्ति पुरस्कार, नारी इज विमेन हो गया, और शक्ति बेसिकली पावर है, लेकिन आप उसे इस सेंस में देखेंगे तो ये एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, यहाँ पे सशक्तिकरण बेसिकली बोला जा रहा है, ठीक है, और पुरस्कार इज अवार्ड। अब यहाँ से इसको आप आगे पढ़िए देन, तो इसमें इसकी पूरी कहानी क्या है वो आप लोग समझ लेते हैं पूरी टाइमलाइन से। इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी एनजीओ हैं जो कि काम करती हैं किसके लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए। अब ये सब काम करती हैं तो देन इनको अप्रिसिएशन मिलना ज़रूरी है, तो उनके लिए अप्रिसिएशन देने के लिए जो हमारी मिनिस्ट्री है, एक मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसने ऐसा पुरस्कार चलाया जिसका नाम है नारी शक्ति पुरस्कार। पहली चीज़ क्या है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, ये एनुअल बेसिस पे होता है, एनुअल मतलब हर साल इसको दिया जाता है, जो भी पूरे साल में सबसे अच्छे काम करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उन सब जो भी इंडिविजुअल हो या फिर कोई ग्रुप हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, सबको अप्रिसिएट किया जाता है इसमें। दूसरी चीज़ क्या है कि एक डे है जिसपे कि लोगों को अवेयर किया जाता है कि हमें विमेन एम्पावरमेंट या फिर फीमेल जब विमेंस का रिस्पेक्ट करना चाहिए, इंटरनेशनल विमेन डे होता है बेसिकली 8 मार्च को, तो उस दिन इसके इस वाले जो अवार्ड है उससे नवाजा जाता है उन लोगों को। तो ये इसके बारे में हाईलाइट्स थी, तो आप ऑप्शंस में ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उसी को ध्यान में रखते हुए देन ऑप्शंस को देखिए, तो आप ऑप्शंस में देखेंगे फर्स्ट वाला ऑप्शंस में दिया हुआ है इट विल बी गिवन अवे ऑन इंटरनेशनल विमेन डे 8 मार्च, तो ये डेट भी याद रखनी है आपको और ये भी ठीक है। सेकंड वाले में देखेंगे इसे एनुअली, तो एनुअली मतलब वार्षिक रूप से दिया जाता है, मतलब हर साल दिया जाता है, तो इसमें एक ट्विस्ट हो सकता है कि इंडिविजुअल को दिया जाता है या फिर ग्रुप को दिया जाता है किसी इंस्टीट्यूशन को, इनका मतलब समझ रहे हो आप ग्रुप और इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल मतलब किसी आदमी को दे दिया, लेट्स से कैलाश सत्यार्थी या फिर कोई और इंसान है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक ग्रुप मतलब किसी एनजीओ का नाम, इंस्टीट्यूशन लेट्स से कि आईएससी बेंगलोर ने कुछ ऐसा काम किया जिससे कि वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, तो दिस इज अ इंस्टीट्यूशन, उसका तो इंस्टीट्यूशन को भी अवार्ड मिल जाएगा। ग्रुप से मेरा सेंस क्या है कि एनजीओ टाइप, ठीक है, कोई एनजीओ 5-6 लोग हैं उनका ग्रुप है, वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे कि वुमेन एम्पावरमेंट में हेल्प मिल रही है, देन उस ग्रुप को भी नवाजा जाएगा, तो इसका ये सेंस है। तो ये वाला भी ऑप्शन ठीक है कि सभी को मिल सकता है। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है कि वुमेन एंड चाइल्ड जो डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो उसकी नोडल मिनिस्ट्री है। नोडल मिनिस्ट्री बेसिकली समझते हो आप, नोडल वर्ड का मतलब होता है, आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा नोड करके एक वर्ड आता है, या फिर आप वैसे भी देखिए तो नोड का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे इंटरसेक्शंस होते हैं, वो पॉइंट को नोड बोलते हैं। तो यहाँ पे उसको दूसरे सेंस में समझा गया है कि जहाँ से सारी चीज़ें डायरेक्ट होती हैं, दैट इज़ अ नोड, तो नोडल एजेंसी कौन रहेगी जो कि सबसे हायर रहती है, तो नोडल एजेंसी कौन है इसमें मिनिस्ट्री कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अभी इसके मिनिस्टर कौन है, स्मृति ईरानी। ओके, तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट, तो आप देखेंगे ए बी सी तीनों ठीक हैं, तो ऑप्शन डी इज अप्रोप्रिएट आंसर, ऑल ऑफ द इज अ फाइनल आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरेटरी सिक्योर टॉप रैंक इन गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019। तो एक रैंक है, एक इंडेक्स है जिसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स। अब ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स में बेसिकली होता क्या है,
इसके बारे में मैंने पिछले जो करंट अफेयर है उसमें भी इसका जिक्र किया था, गुड गवर्नेंस इंडेक्स का। इसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट ने जो आइडेंटिफाई किए हैं वो अराउंड 10 हैं, ठीक है। उन सेक्टर्स में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको कि देखा गया है, और जितने भी स्टेट्स हैं, स्टेट्स हैं यूटी हैं या फिर हिमालयन स्टेट्स या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, उन सबको कंपेयर किया गया। क्योंकि आप लेट्स से कि सिक्किम को कंपेयर नहीं कर सकते महाराष्ट्र से, क्योंकि टोपोग्राफिकली जो डिफरेंट है, टोपोग्राफी मतलब वहाँ पे हिली एरिया, देन वहाँ पे उतना डेवलपमेंट के चांसेस कम है कंपेरिजन टू महाराष्ट्र, क्योंकि वहाँ सी है और उसके पास कोस्ट लाइन है, देन वो फास्टर ग्रोथ करेगा क्योंकि वहाँ पे लाइक मूवमेंट बहुत आसान है। इसकी वजह से क्या होगा, इनके लिए जो सारे स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, इन सबको तीन ग्रुप में बांट दिया गया है। तो तीन ग्रुप में फर्स्ट ए बी सी, तो फर्स्ट वाले में जो जितने बिग स्टेट्स हैं, बिग स्टेट मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट को छोड़ दीजिए प्लस हिमालयन स्टेट को छोड़ दीजिए। हिमालयन स्टेट से मेरा मतलब क्या है, जे एंड के, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड देन सिक्किम, ये हिमालयन स्टेट में आ गए, ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न वाले सेवन सिस्टर्स, उनको छोड़ के बाकी जितने ही बचे हैं वो सब किस में आ गए, इस वाले में, फर्स्ट वाले में। और दूसरा एक यूटी, पहले मैं वह स्टेट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिए, राज्य, राज्य और यूटी में डिफरेंस होता है। यूटी डायरेक्टली सेंटर से एडमिनिस्टर होती हैं और राज्य एक अलग फेडरल स्ट्रक्चर में बेसिकली काम करते हैं। तो यूटी वाले में क्या रहेगा, इसमें जितनी भी यूनियन टेरिटरी हैं उनका रैंकिंग रहेगी, जो कि एक दूसरे से यूटी को कंपेयर कर सकते हैं। और जो लास्ट वाला है, ये जो जितने ही बचे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन स्टेट, उनको कंपेयर किया गया। इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो दूसरी वाली रैंक है, मतलब यूटी वाली रैंक। पहली वाली रैंक का क्वेश्चन मैंने पिछली वाली स्लाइड्स में डाला था, उसमें कि मैंने बताया था तमिलनाडु ने उसमें टॉप किया है। अब इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये दूसरी वाली रैंक है यूटी वाली, उसमें किसने टॉप किया है। तो इसमें पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, उसने टॉप किया है। तो हम पुडुचेरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी यहाँ के जो सीएम हैं वो नारायण स्वामी हैं, जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, और यहाँ की जो गवर्नर हैं किरण बेदी हैं। किरण बेदी फर्स्ट आईपीएस वीमेन अफसर हैं इंडिया की। ओके, और पुडुचेरी पहले फ्रांसीसी कॉलोनी रहा था, फ्रांसीसी मतलब फ्रांस की इसमें कॉलोनी थी 1962 में, बेसिकली से 1954 में आज़ाद किया गया और 1962 में से यूटी बना दिया गया, जब से ही वो कैरी कर रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है जो कि मैप में आपको समझ में आएगा, इस मैप को देखिए देना आप। तो ये है पुडुचेरी, ये चार डिस्ट्रिक्ट से मिलके बनाया है ये वाला जो यूटी है, टोटल चार डिस्ट्रिक्ट, चारों डिस्ट्रिक्ट हैं अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। आप देखेंगे ये यनम करके एक जगह है जो कि एपी में फैली हुई है, माहे है वो कर्नाटक सॉरी केरला में है, और जो कराईकल है ये वाला तमिलनाडु में है, और खुद जो पुडुचेरी है वो भी तमिलनाडु के लो जो टेरिटरी है उसके पास ही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये अलग अलग लोकेशंस पे है, मतलब बहुत दूर दूर है, ऐसा नहीं है कि एक राज्य ऐसे होता है ना, एक पास चिपका रहता है सारी जो डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें नहीं है, इसमें दूर दूर है सारे। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो इस वाली क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा ऑप्शन बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल, एक मिसाइल है जिसके बारे में आप लोग न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे, ब्रह्मोस मिसाइल, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये क्वेश्चन है पूछा गया है। अब पहले हम लोग एक मिसाइल सिस्टम में होता क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं, देन फिर ऑप्शंस पे देखेंगे। तो इसमें जो भी टर्मिनोलॉजी यूज हुई है उसे पहले समझ लेंगे, बाद में हम लोग ऑप्शंस को ट्राई करेंगे। पहले तो ये मिसाइल वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है। मिसाइल्स बेसिकली जो भी आर्सेनल होते हैं, जो भी हथियार होते हैं, उनमें से एक होता है मिसाइल, जो कि लॉन्ग रेंज बेसिकली टारगेट होता है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होता है। अभी ये दो तरीके के होते हैं, एक बैलिस्टिक होते हैं और एक क्रूज होते हैं। क्रूज मतलब जिसमें कि जो टारगेट है वो ऑलरेडी आप आइडेंटिफाई कर लेते हो और देन वो डायरेक्टली उसे हिट कर सकते हो। आप ऐसे समझिए कि यहाँ से फेंक के कोई भी आप पत्थर मार रहे हैं, तो दैट इज़ काइंड ऑफ क्रूज मिसाइल। लेकिन बैलिस्टिक में क्या होता है कि आप जो अर्थ का एटमोसफेयर है उससे बाहर जाते हो, फिर उसके बाद वहीं से फिर बम्बॉर्डिंग करते हो। तो ये बड़े रीजन को बेसिकली टारगेट करने के लिए किया जाता है बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि ये मिसाइल के बारे में, तो ये वाली मिसाइल है वो क्रूज मिसाइल है, तो ये हॉरिजॉन्टली जाती है देन हिट कर देती है जहाँ पे भी उसे लाइक टारगेट जो भी इसमें सेट किया जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें दिखाया है इससे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो सुपरसोनिक होता क्या है, सोनिक वर्ड से थोड़ा आइडिया लग गया होगा आपको, साउंड से कुछ रिलेटेड है ये। तो हाँ एग्जैक्टली इसमें बेसिकली साउंड के पैरामीटर का यूज़ किया गया है।
आप जानते हैं साउंड की स्पीड होती है, जो साउंड की स्पीड कितनी है एयर में, उससे कंपेयर किया जाता है इसकी स्पीड को, मिसाइल की स्पीड को। जब इसके कंपेरेबल होती है तो इसे बोला जाता है 1 मैक, MACH, ठीक है। अब ये 3 मैक होती है ना, तो इसको बोल देते हैं सुपरसोनिक, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। 3 मैक से जैसे ऊपर जाएगी देन सुपरसोनिक हो जाएगी, 3 to 5, और 5 से जैसे क्रॉस करेगी देन ये हाइपरसोनिक हो जाएगी, ठीक, ये याद रखना है। तो ये वाली जो मिसाइल है ये सुपरसोनिक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इसे डेवलप किसने किया है, इंडिया एंड रशिया ने, दोनों ने डेवलप किया एक साथ मिलके। अब इसका जो नाम है ब्रह्मोस, ये बेसिकली वहीं से लिया गया है। मोसोब एक वहाँ की रिवर है और इंडिया की ब्रह्मपुत्रा रिवर है, इन दोनों के बेसिकली कुछ वर्ड्स को मिला के भी इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो आप ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन ए और बी दोनों ठीक हैं, तो ऑप्शन सी इज अ फाइनल आंसर। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक और चीज़ ध्यान रखना कि ये नाम है, ये वाली रिवर का नाम पूछ सकते हैं कभी भी कि कौन सी रिवर है, ब्रह्मपुत्र, इंडिया की ब्रह्मपुत्रा है, दूसरी जो रसिया की रिवर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट पैक टू इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो एक माउंटेन है जिसका नाम है पैक टू, वो किस लोकेशन पे बेसिकली एग्जिस्ट करता है, वो क्वेश्चन में पूछा गया है। मैप देख लिया आप लोग कि यहाँ पे ये वाला पैसिफिक रीजन है, ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है, पैसिफिक जो ओशियन है उसकी बेसिकली जिक्र कर रहा हूँ मैं। इसके जस्ट वेस्टर्न साइड जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक कंट्री दिखेगा जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये है नॉर्थ कोरिया कंट्री। यहीं के जो तानाशाह उनका नाम है किंग जोंग उन। अब ये बेसिकली कुछ हरकतें करते रहते हैं उल्टी सीधी, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये वाला जो माउंटेन है जिसका जिक्र कर रहा हूँ मैं, माउंट पैक टू, इसको बहुत सेक्रेट माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है इस कंट्री में। तो ये विजिट करते हैं बहुत, लाइक अच्छे ओकेजन पे, कोई अच्छा काम करना होता है तो देन वहाँ के जो तानाशाह हैं वहाँ विजिट करते हैं। तो ऐसा ही अभी एक विजिट हुआ था इसलिए ये न्यूज़ में बना हुआ है, तो आपको इस लोकेशन का पता होना चाहिए। तो ये कहाँ पर है, ये इस वाले बॉर्डर पड़ता है जो रशिया, ये चाइना है, चाइना और नॉर्थ कोरिया वाला जो बॉर्डर है उस पर है, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए। ओके, तो पीछे जाएंगे हम लोग, ऑप्शंस में देखिए किस कंट्री का जिक्र है, इसमें पूछा गया कौन सा कंट्री है, तो देन ऑप्शन डी में आपको दिख ही रहा होगा नॉर्थ कोरिया अप्रोप्रिएट आंसर, तो ऑप्शन डी इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, एज सच इसमें कुछ लाइक बताने को नहीं है कि कोई प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, या बस एक इन्फॉर्मेशन है वो पास करनी है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा ये वाला फेस्टिवल है, ट्राइबल डांस फेस्टिवल है, जो कि नेशनल लेवल पर होता है, पूरे कंट्री लेवल पर होता है, नेशनल मतलब कंट्री लेवल हो जाता है, ठीक है। तो किस जगह पर ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो ये ऑर्गेनाइज हो रहा है रायपुर में। तो रायपुर कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ में है, उसकी कैपिटल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप में ये वाला जो ये राज्य है ये छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ किससे टूट के बना है, ये एमपी से टूट के बना है, मध्य प्रदेश जो स्टेट है उसमें से तोड़ के बनाया गया ये। ओके, ये वाला, तो यहाँ पर इसकी कैपिटल है रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, चिल्ड्रंस डे ऑन 14 नवंबर हैज़ बीन सेलिब्रेटेड सिंस विच ईयर। तो आपने सुना होगा ये बाल दिवस, बेसिकली जो बच्चों के चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है वो जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनकी बर्थ डेट को मनाया जाता है, लेकिन ये किस साल से कैरी किया जा रहा है। अब ये सब चीज़ आज के टाइम में कैसे रिलेवेंट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक एक मिनिस्टर है उन्होंने ये बोला था कि जो ये चिल्ड्रंस डे है वो नेहरू जी के नाम से हटा के गुरु गोविंद सिंह की जी के नाम पे कर देना चाहिए। जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। ओके, तो 10वें गुरु के बाद जो सिख वो जो गुरु सिस्टम है वो फिर हट गया था, देन वो गुरु ग्रंथ साहिब ने फॉलो किया, उसके बाद एक बुक बनी जिसको गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं, और उसी के बेसिस पे सारे रिलीजन को जो भी उनकी टीचिंग्स हैं या फिर जो भी उनके लेसन्स हैं वो वहाँ पे लिखे हुए हैं, उसी को फॉलो करना होता है, ये सिखिज्म में बेसिकली फॉलो किया जाता है। तो इसलिए ये न्यूज़ में आया था। तो आपको ये याद रखना है कि चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है, 14 नवंबर, किसकी बर्थ डेट पर मनाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की डेथ कब हुई, 1964 में, ठीक है। लेकिन इनका जो बर्थ डेट है वो जो बाल दिवस है उससे पहले से ही मनाया जा रहा है, तो ये इसलिए मैंने इसको
मेंशन किया है इस क्वेश्चन को कि आप लोग ये सोचें कि उनकी डेथ के बाद प्रॉब्ली मनाया जाता होगा, लेकिन उनके पहले ही मनाया जाता था, तो ये 1956 से मनाया जा रहा है, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो जो क्वेश्चन 10 है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 एंड द इस प्रोटोकॉल और 1967। तो 91 है ना, ये कन्वेंशन है जो कि 1951 में बना, किस चीज़ के लिए, शरणार्थियों के लिए जो रिफ्यूजी बोलते हैं, और उसके बाद एक प्रोटोकॉल भी आया कि ये सर्टेन सर्टेन स्टेप आपको फॉलो करने हैं। कन्वेंशन बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारी कंट्री हैं, यहाँ बात कर रहे हैं एक दूसरे से कि क्या करना चाहिए, तो ये एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, वही कन्वेंशन है। अब इसे इम्प्लीमेंट कराने के लिए प्रोटोकॉल बनता है। प्रोटोकॉल मतलब ये स्टेप के बाद ये स्टेप होगा, ये स्टेप के बाद ये स्टेप होगा। आपको अगर और सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो लेट्स सीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ का जिक्र किया गया है, तो वहाँ बस मोटी मोटी बातें लिखी हुई हैं कि जैसे राइट टू फ्रीडम, बस इतना लिख के उन्होंने छोड़ दिया। अब उसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, उसके लिए जो भी गाइडलाइंस होंगी वो एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाएंगी, या फिर जो भी पार्लियामेंट है वो फिर उसे लेबोरेटरी फॉर्म में लिखेगा। तो उसे एग्जीक्यूशन के लिए अलग से गाइडलाइन जारी होती है, जो कि कहाँ से पावर ले रही है, इस वाली जगह से ही ले रही है, लेकिन वो अपने आप में लाइक बहुत एलेबोरेटेड होती हैं, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एक कन्वेंशन है जो कि बना कब, 1951 में। अब इसे इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक प्रोटोकॉल बना होगा जो कि 1967 में बना है। अभी किस चीज़ का जिक्र कर रहा है, रिफ्यूजी कन्वेंशन के बारे में। रिफ्यूजी ये कहाँ से न्यूज़ में आ गया, आपको पता है अभी CEA वाला जिक्र कर रहा चल रहा है, CEA, NRC और NPR, इन तीनों में एक चीज़ ये आ रही है सामने कि जो लोग बाहर हो जाएंगे, लेट्स से NRC से जो लोग बाहर हो जाएंगे, देन वो कहाँ जाएंगे, या फिर इंडिया जिनको एक्सेप्ट करना चाहता है उन लोगों के लिए जो कन्वेंशन बनाया हुआ है वर्ल्ड लेवल पे, क्या इंडिया उसे फॉलो करता है कि नहीं करता, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये वाला कन्वेंशन है, इसको इंडिया ने साइन नहीं किया है, ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि ये इंडिया ने साइन नहीं किया है तो देन इंडिया जो इंटरनेशनल लॉ है उनको फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब ऑप्शंस को देखते हैं हम लोग, ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस में दिया हुआ है पहले में कि इंडिया ने इसे साइन नहीं किया, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी क्या है कि जो ये वाला जो कन्वेंशन था इसने बिल्कुल एलैबोरेटेड फॉर्म में बताया था कि बेसिकली रिफ्यूजी हम किसको बोलेंगे, क्योंकि जब ही तो आप इम्प्लीमेंट करा पाओगे किसी चीज़ को, आपको डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करते हो आप, ठीक है। तो जो डिफाइन किया है इसी वाले कन्वेंशन ने किया है, ये ध्यान रखना आपको। तो इन्होंने क्या दिया, डेफिनेशन दी रिफ्यूजी की। रिफ्यूजी की बेसिकली वही डेफिनेशन है, एक कंट्री का वो इंसान जो अपने कंट्री में न रहता हो और दूसरे कंट्री में रह रहा है, तो देन उसे फियर हो, किस चीज़ का फियर, कि वो अगर उस कंट्री में दोबारा वापस जाएगा देन उसे प्रोसिक्यूट कर दिया जाएगा, लाइक उसे मार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ को बेसिकली इसमें हाईलाइट किया गया। अब लेकिन इसे कौन रेगुलेट कराएगा, मेंटेन करेगा, इसको करेगा UNHRC, जो कि एजेंसी है किसकी, UN की, वो एज अ गार्डियन यूज लाइक वर्क करेगी, किस चीज़ के लिए, इस वाले कन्वेंशन के लिए। तो ये कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट कराएगी और उसके बाद जो जो इसे वायलेट करेगा, देन दिस बॉडी, इसका नाम है UNHRC, ह्यूमन कमिश्नर होते हैं बेसिकली ये, वो इसे इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो ये तीनों ऑप्शन इसमें सही हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ABC ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये UPSC में पूछा जा सकता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जो जनरल बातें हैं वो सभी को पता है, लाइक NRC क्या है, देन CA क्या है, लेकिन ये चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे क्या लॉ है वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वहीं पे आपको अपरेज मिलता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 था, उसकी प्रोटोकॉल है, इंडिया उसको फॉलो नहीं करता है, तो इंडिया उसे साइन नहीं कर रहा, तो इंडिया जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट करेगा, ये कैसे डिसाइड होगा, लाइक वो सब चीज़ें, चूँकि इंडिया का जो सिस्टम है उसके सिंक्रनाइज नहीं है, उसके लाइक रेजोनेंस में नहीं है, इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये आर्ग्यू कर सकते हो आपके हाँ ये सब चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आप देखें ऑप्शंस में, ऑप्शन डी इसमें अप्रोप्रिएट लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन ABC तीनों में जो मैं बातों का जिक्र कर रहा हूँ वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ऑप्शन ए में कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर, ऑप्शन बी में किसने डेफिनेशन दिया है, ऑप्शन सी में UNHRC इसको एज अ गार्डियन बनेगा इसका, और नंबर 4 है उसमें दिया हुआ ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर कनेक्ट दादरी इन UP टू विच अदर प्लेस। तो एक फ्राइट कॉरिडोर है जो कि कनेक्ट करता है, UP में एक जगह है जिसको बोलते हैं दादरी, जो कि गाजियाबाद के पास है, गाजियाबाद बेसिकली दिल्ली NCR रीजन में UP का जो बॉर्डर है उस साइड है,
ठीक है, दिल्ली से लगता हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको गाजियाबाद बोलते हैं। तो वहाँ से एक फ्लाइट कॉरिडोर है जो कि चालू हुई है, और वो किस जगह तक जा रही है, दूसरी जगह, ये क्वेश्चन अब पूछा गया है। अब ये फ्लाइट कॉरिडोर होता क्या है और वेस्टर्न क्या है, वेस्टर्न मतलब इंडिया के वेस्ट में। तो आप इंडिया का मैप देखेंगे तो यहाँ पे आप दिल्ली देखेंगे तो इस साइड जा रही होगी कहीं, वेस्ट साइड, ठीक है। तो लेट्स, ये दिल्ली है, तो दिल्ली के पास ये आप मान लीजिए यहाँ पे गाजियाबाद है, तो गाजियाबाद यहाँ से इधर से आ गया, ठीक है। तो ये इधर साइड जा रही है, और ईस्टर्न वाला कुछ ईस्ट साइड में होगा प्रॉब्ली। तो हम लोग लेकिन जिक्र कर रहे हैं वेस्टर्न वाले का। फ्राइट कॉरिडोर का मतलब क्या है, आपने देखा है कि रेलवे ट्रैक, आपने देखे होंगे रेलवे ट्रैक्स में, यहाँ पे पैसेंजर वाली ट्रेन भी चलती है और फ्राइट वाली भी चलती है, जिसमें कि मालगाड़ी बोलते हैं जिन्हें। लेकिन अब क्या है, उनकी वजह से क्या हो, डिले होता है, पैसेंजर डिले भी होता है, प्लस ये वाला जो जितना भी हम गुड्स भेजते हैं वो भी डिले हो जाते हैं, क्योंकि बार बार आपको पैसेंजर ट्रेन को क्रॉस कराना पड़ता है। अब क्या, इसके लिए बिल्कुल डेडिकेटेड ट्रैक बनाया गया है जो कि इसके पैरेलल ही होगा, ठीक है, उसी को बेसिकली कॉरिडोर बोल दिया गया है। ये बस नई टर्मिनोलॉजी दे दी जाती है, एस एच उसमें सेम ही चीज़ है वो, ठीक है। मतलब एक नया ट्रैक बना दिया जिस पे बस मालगाड़ी चलेंगी, बस आप इतना समझिए। और वो कहाँ है, वेस्ट साइड में जा रहा है इंडिया के, कहाँ से स्टार्ट हुआ, दादरी से स्टार्ट हुआ, और कहाँ जाके रुक रहा है वो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप एक मैप देखिए, मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, ये इंडिया का वेस्टर्न साइड, ये इंडिया का मैप है बेसिकली। यहाँ पे जो फेज़ 1 2 लिखा है, इसका मतलब है कि दो फेज़ में इसे तैयार किया गया है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। पहले फेज़ में कहीं और तक लेके इसे तैयार किया गया, देन दूसरे में उसे आगे पूरा एक्सटेंड किया गया, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, देन एक साथ नहीं हो सकता ये पूरा, ठीक है। क्योंकि इसमें दिखाया भी गया, आप देखिए ऐसे करके, जो रेड कलर वाला ये वाला फेज, इसमें इस वाले फेज़ में तैयार किया गया, और सेकेंड ये वाला यहाँ तक हो गया। यहाँ देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दादरी से, आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली, फिर देन कहाँ तक जा रहा है, JNPT, ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है बेसिकली, प्राइवेट एक पोर्ट है जो कि बॉम्बे में है, मुंबई के जस्ट बराबर में है। तो वहाँ तक ये वाला ट्रैक जाएगा, तो यहाँ से जो भी लाइक सामान आएगा इधर बॉम्बे में, इधर सी के थ्रू, देन उसे आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो आराम से दिल्ली तक। और जो ईस्ट वाला है उसको कहाँ तक, ईस्ट वाला जो दो फ्राइट कॉरिडोर है इंडिया में, एक ये वाली होगी और ईस्ट वाली भी की जा रही है तैयार। तो ईस्ट वाली कहाँ से है, वो लुधियाना से जाएगी यहाँ से, और कहाँ तक, आसाम, यहाँ तक वेस्ट बंगाल तक, वेस्ट बंगाल में कहाँ, दनकुनी। तो ये ईस्टर्न वाली की लोकेशन है, ये आपको याद रखना। तो ऑप्शन दो, क्वेश्चन 12 में आप देख पा रहे हैं कि कहाँ तक जाएगी, ऑप्शन सी, इसमें JNPT दिया हुआ है, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन नेम्ड इन द विस्डन क्रिकेटर्स ऑफ द डेकेड लिस्ट। तो एक मैगजीन है जिसको कि बाइबल ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, बेसिकली बुक मान सकते हैं आप, वो ब्रिटेन में पब्लिश होती है ये बुक, ठीक है। इसने जो क्रिकेटर्स ऑफ डिकेड है उसकी लिस्ट निकाली है, तो उसमें एक इंडियन क्रिकेटर का नाम है, उस क्वेश्चन में यही पूछा गया, वो कौन सा क्रिकेटर है, ठीक है। तो डिकेड का मतलब होता है दशक, दशक मतलब पिछले 10 साल, क्योंकि हम 2020 में अभी एंटर करने वाले हैं, दैट्स वाई ये पूरा दशक लगभग बीतने जा रहा है, तो इसलिए ऐसी बातें हो रही हैं, डिकेड की लिस्ट निकाली जा रही है या फिर जो भी हो रहा है। तो वो क्रिकेटर हैं विराट कोहली, तो आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी इज अ फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नाटो। एक ग्रुप है जिसको कि बोलते हैं मिलिट्री ग्रुप है बेसिकली, इसकी कहानी क्या है आप थोड़ा सा समझ लीजिए। वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, उसके बाद जो पूरा वर्ल्ड है वो दो पार्ट में बढ़ गया, ठीक है, एक यूएसए की साइड हो गया, यूएस वाला ब्लॉक हो गया, दूसरा वाला यूएसएसआर, वार वार बोल यूएसएसआर क्या बोल रहा हूँ मैं, जो कि रसिया अभी बना है 1991 के बाद। पहले एक बहुत सारे कंट्रियों का ग्रुप था उसको कि यूनाइटेड बोलते थे, जो कि यूएसएसआर था, ठीक है, ये वाला फ्रंट था। जो इसके साथ, यूएस के साथ जितने भी कंट्री आए थे, उन्हें मिलिट्री असिस्टेंस की ज़रूरत थी, उन्हें, उनके पास इतना बजट नहीं था कि खुद की आर्मी लाइक खड़ी करें और फिर यूएस रसिया वगैरह से लाइक पंगा ले सकें। तो यूएसए ने उनसे वादा किया कि हम लोग तुम्हें हेल्प करेंगे, लेकिन सर्टेन सर्टेन चीज़ें हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। वो सर्टेन चीज़ें क्या थी कि लाइक यूएसए के बेस खोलने पड़ेंगे यहाँ पे, उसको आर्मी को यहाँ यहाँ जगह देनी पड़ेगी, या फिर एयरबेस होंगे यहाँ पे, नेवी को यहाँ पे प्रेजेंस देनी पड़ेगी, इतना बजट आपको देना पड़ेगा, बाकी हम प्रोटेक्शन देंगे। ऐसा ही कुछ आइडिया लेते हुए ये वाला ग्रुप बना जिसका नाम है नाटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली। और अटलांटिक रीजन कौन सा है, आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो नॉर्थ अमेरिका है और यूरोप के बीच वाला पोर्शन है ना, वहाँ पे बेसिकली अटलांटिक ओशियन है, ठीक है।
उस वाले ओशियन में नदन पार्ट है, जो नदन पार्ट मतलब यूरोप से जो जुड़ा हुआ पूरा पार्ट है, उस वाले पार्ट की बात हो रही है। तो बहुत सारी कंट्रियों ने इसे ज्वाइन किया और ये वाली जो ट्रीटी है वो 1949 में इसको कॉन्क्रीट लाइक इसे फाइनल टच दे दिया गया। अब चूंकि बहुत सारी गवर्नमेंट्स इसमें मिली हुई हैं तो देन इसे बोल सकते हैं इंटर गवर्नमेंटल नेचर, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल मतलब एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट, तीन चार पाँच ऐसी गवर्नमेंट हैं बहुत सारी, वो सब एक ग्रुप बना रही हैं, तो इंटर गवर्नमेंटल नेचर की हो गई ये वाली जो संस्था है, जो ये वाला मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, अब इनमें से किसी भी मेंबर पे अगर अटैक होता है कोई भी फॉरेन इसके अलावा जो भी मेंबर्स हैं, देन ये पूरे सारे मेंबर्स सारे मिलकर अटैक करते हैं। तो ये बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव था कि हम लोगों को प्रोटेक्शन मिले, प्लस नाटो के मेंबर बनने का यही सबसे बड़ा फ़ायदा था। तो इससे क्या फ़ायदा मिला कि चूँकि ये कम्युनिस्ट बेसिकली आइडियोलॉजी को डिपेंड वो सपोर्ट करता था यूएसएसआर, तो उससे बचने के लिए, चूँकि जो वेस्ट है, वेस्ट से मेरा मतलब है यूरोप प्लस अमेरिका वाला जो यूएसए वाला पोर्शन है, वो सब कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में एक कन्फ्रंट था कि लाइक कौन सी आइडियोलॉजी बेहतर है, वो सब बहुत लाइक डीप में बातें, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि ये वाला ग्रुप क्यों बना, क्योंकि यूएसएसआर को हमको काउंटर करना था, ठीक है। अब यहाँ से ऑप्शंस, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताया उसके बाद आप ऑप्शंस को देखिए दें। तो फर्स्ट वाले में देखा गया है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है कि इससे इंटर गवर्नमेंटल नेचर की मिलिट्री अलायंस है, दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि इसमें मिलिट्री वर्ड है, मिलिट्री अलायंस है ये, इसका और कोई पर्पस नहीं है, पीसफुल कोऑर्डिनेशन ऑल दोज थिंग्स इकोनॉमिक्स वगैरह से कोई मतलब नहीं है इसका, तो इसका मिलिट्री से बेसिक मतलब है। दूसरा, कब हुआ इसका इस्टेब्लिशमेंट, ये हो रहा है 49 में, कहाँ पर, वॉशिंगटन ट्रीटी करके एक जगह, ठीक है, वॉशिंगटन ट्रीटी हुई थी जिसकी बेसिस पे इसका गठन हुआ, तो ये भी सही है। इसका हेड क्वार्टर है वो ब्रसल्स में है, ब्रसल्स कहाँ पर है, बेल्जियम, आपने सुना होगा यूरोप में है बेल्जियम, यहीं पे हेड क्वार्टर है किसका, यूरोपियन यूनियन का भी, ठीक है, तो वहाँ पर इसका हेड क्वार्टर है, तो आपको ये याद रखना है, ये वाला फैक्ट थोड़ा नया है। तो ए बी सी तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी इज अ फाइनल आंसर। इसका मैप है आप यहाँ देख सकते हैं, मैप ये यूरोप का मैप है पूरा जो मैंने दिखाया इधर, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का दिखा हुआ है दिस इज बेल्जियम, और इसमें जो स्टार मार्क कर रखा है दैट इज ब्रसेल्स, तो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि पर्सन इन न्यूज़ जो भी रहे या फिर इवेंट जो भी न्यूज़ में रहे उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जिक्र करेंगे। फर्स्ट पर्सन है बेंजामिन नेतन्याहू, ये इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसराइल में थोड़ा सा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही है, उसका रीज़न ये है कि जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं ये स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट रखते थे पहले, लेकिन पिछले कुछ टाइम से क्या रहा है, इनके पास इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं करप्शन के, उसकी वजह से क्या है कि इन्हें फुल मेजोरिटी नहीं मिल पा रही, तो जो सरकार बन रही है वो बहुत कमज़ोर बन रही है और बार बार सरकार इलेक्शंस हो रहे हैं। तो अब की बार जो इलेक्शंस होने वाले हैं उनमें अब इनकी पार्टी की तरफ से जो राइट विंग साइड है, बेसिकली राइट विंग लीडर हैं, तो राइट विंग की साइड से इनको मौका मिला है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि लीड करेंगे किसमें, नए वाले इलेक्शंस में जो होने वाले हैं अभी, ठीक है। दूसरे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, ये हैं पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, इनका जो कार्यकाल है वो अभी खत्म होने वाला है, लेकिन जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इसको एक्सटेंड कर दिया था 3 साल के लिए। बाद में क्या हुआ कि वहाँ के जो कोर्ट है उसने इस वाले जो ऑर्डर को नल एंड वॉइड बोल दिया, उसकी वजह से फिर इन्होंने दोबारा से रिव्यू पिटीशन डाली है इसमें। रिव्यू पिटीशन मतलब दोबारा से अपने जो डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने उनके ना उसे लाइक रिव्यू करने के लिए, दोबारा से रिविजिट करने के लिए उन्होंने गुहार लगाई है। तो ये चाहते हैं कि इनका जो एक्सटेंशन हो, उनके जो टाइम पीरियड टेन्योर है उसका एक्सटेंशन हो, ठीक है। तीसरे वाले हैं ऑप्शन अब्दुल्ला अब्दुल्ला, ये शख्सियत हैं अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान में अभी इलेक्शंस हुए हैं आपको पता ही होगा, वहाँ पे जो प्राइमरी रिजल्ट्स हैं वो अभी घोषित किए गए हैं, तो उसमें अशरफ गनी जो अभी प्राइम प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ही मेजोरिटी लाइक पाली है, लेकिन जो वहाँ के सीईओ थे उसी गवर्नमेंट में, बेसिकली आप कंपेयर कर सकते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है। तो अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो सीईओ थे उन्होंने बोला है कि वो इन रिजल्ट्स को नहीं मानते, तो ये एक बड़ा इशू है। रीज़न क्या है कि अफगानिस्तान ऑलरेडी
स्टेबल नहीं है, उसकी वजह से और ज़्यादा जो 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 डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है अगर वहाँ भी इतने क्रैक्स आएंगे तो देन प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये शख्सियत भी न्यूज़ में बने हुए। और डी है नम्मी नारायण, ये इसरो के साइंटिस्ट थे, इनको स्पाई केस में, इन पर गवर्नमेंट ने बहुत सारे चार्जेस लगे और फिर ये ट्रायल हुआ इनका, देन ट्रायल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया कि इनके ऊपर जो भी चार्जेस थे वो सब विदड्रॉ कर लिए जाए। इसके बाद इन्होंने फिर कंपनसेशन मांगा गवर्नमेंट से, कंपनसेशन के रूप में जो अभी केरला गवर्नमेंट है, ये केरला के रहने वाले हैं, केरला गवर्नमेंट ने इन्हें 1.3 करोड़ रुपये का कंपनसेशन दिया है। तो ये न्यूज़ में बने हुए हैं और ये शख्सियत के बारे में आप पढ़ भी सकते हैं, नम्मी नारायण की पूरी कहानी। ठीक है, तो ऑप्शन डी वी। तो दोस्तों इसके साथ ही आज के करंट अफेयर खत्म होते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा डाउट नेट का गवर्नमेंट चैनल प्लीज़ उसे विजिट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए डाउट नेट के साथ। थैंक यू।